ताइवान की किसी और देश से बढ़ रही नजदीकी चीन को हजम नहीं हो रही। एक बार फिर ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। बौखलाए चीन ने इस बार अमेरिका को ताइवान के मामलों में दखल अंदाजी बंद करने और युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। आखिर क्यों ताइवान और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों से चीन घबराया हुआ है, इस रिपोर्ट को देखिए। ताइवान को लेकर एक बार फिर चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है। चीन ताइवान और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों से काफी घबराया हुआ है, क्योंकि चीन को लगता है कि अमेरिका ताइवान की नजदीकी उसके लिए खतरा पैदा कर सकती है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को आगाह किया कि अमेरिका को ताइवान में दखलअंदाजी बंद कर देनी चाहिए, वरना वो युद्ध के लिए तैयार रहे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताइवान कानून 2020 पर हस्ताक्षर करने के बाद चीन का यह बयान सामने आया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिंग ने अपने एक लेख में लिखा कि अगर ताइवान अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध कायम करता है तो चीन को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन किसी भी देश के ताइवान के साथ स्वतंत्र संबंध स्थापित करने को लेकर कड़ी आपत्ति जताता है। अमेरिका की ताइवान से बढ़ती नजदीकी से चीन बौखला गया है। उसे लगता है कि यदि अगर अमेरिका ताइवान से ज्यादा करीब आता है तो उसका ताइवान को अपना बनाने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। दरअसल चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है और एक अलग देश के तौर पर मान्यता नहीं देता। साथ ही दुनिया से भी ऐसी उम्मीद रखता है कि ताइवान को चीन का ही एक हिस्सा माने, लेकिन ताइवान खुद को एक अलग देश का दर्जा देता है, जिसको लेकर चीन से उसकी खटास हमेशा बनी रहती है। वहीं अमेरिका और भारत के ताइवान से अच्छे संबंध होने से चीन बौखलाया हुआ है और बार बार इस बात को लेकर अपने सरकारी भौंपू के जरिए आपत्ति जताता है। वहीं अब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेंग विंग ने कहा कि अगर अमेरिका ताइवान को हथियार बेचने की योजना पर आगे बढ़ता है तो वह उचित और जरूरी जवाब देगा। ताइवान को 60 करोड़ डॉलर मूल्य के सैन्य ड्रोन की बिक्री चीन के आंतरिक मामलों में घोर हस्तक्षेप है और चीन की संप्रभुता व सुरक्षा हितों की गंभीर अनदेखी है। ताइवान और अमेरिका के संबंधों से चीन इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने चीन को आगाह किया था कि वो ताइवान पर बलपूर्वक विलय करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करे। अमेरिका के ताइवान को सपोर्ट करने से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है और दुनिया से भी ऐसी उम्मीद रखता है कि ताइवान को चीन का ही एक हिस्सा माने, लेकिन ताइवान खुद को एक अलग देश का दर्जा देता है और अब ताइवान को अमेरिका समेत कई देशों का पूरा सहयोग मिल रहा है तो चीन परेशान है और बौखलाहट में अमेरिका को युद्ध की धमकी दे रहा है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।